नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजनीति में आपकी भाषा पर संयम रखना यह बहुत जरूरी होता है, और यदि आप अपनी भाषा पर संयम नहीं रख पाए तो आप एक अच्छे राजनेता नहीं हो सकते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल ही, उनको अपनी भाषा पर संयम नहीं है। वो कब किसको क्या बोल देते हैं वो उनको खुद भी नहीं पता होता है, और आपने देखा होगा खुद के मौत का भी ऐलान वो मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। और जीएसटी पांडव नहीं लेकर आए थे, यहां तक के अबोध और इस तरह के कृत्य, इस तरह के भाषा का इस्तेमाल अधिकतर समय पर उनको देखा गया है। यही भाषा का इस्तेमाल, इसी भाषा से उनकी राजनीतिक जो छवि है, उनका जो राजनीतिक करियर है, वो पूरी तरह से हमेशा खटाई में पड़ा रहता है। इससे पहले मोदी सरनेम नाम को लेकर के, जहां मोदी सरनेम को लेकर सारे मोदी चोर है को लेकर के गुजरात हाईकोर्ट ने उनको 2 साल से ज्यादा का सजा सुना रखा है, जिस पर उनकी संसद की सदस्यता भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पावर लगा करके अपने ही सुप्रीम कोर्ट के अपने वकील, जिनके पिता 40 साल तक कांग्रेस में रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, और जिनके भाई अभी भी कांग्रेस है, उनसे सोर्स लगाकर उनसे फैसला करवा दिया कि फैसले पर स्टे लिया जाता है। और केवल गुजरात हाईकोर्ट ने इसलिए ये मामला पलटा गया कि सारे मोदी चोर हैं, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते समय सही तथ्य नहीं बताए थे या सही लाइन नहीं कही थी, इसीलिए फैसला स्टे लिया जाता है। लेकिन सबके बीच में राहुल गांधी फिर एक बार बुरी तरह फंस गए हैं, और एक बार फिर से हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुना दिया है। पीएम मोदी पर जेब कतरा को लेकर के हाईकोर्ट से गिरी है गाज, और फिर से राहुल गांधी की सदस्यता संसद से, और ठीक चुनाव से पहले यह बड़ा मामला हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान बस बहुत जल्द हो जाएगा। अनुरोध करेंगे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और राहुल गांधी के कृत्यों पर आज हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है आप सुन करके, इलेक्शन कमीशन को जो आदेश दिया है, आखिरकार राहुल गांधी पर ये सुप्रीम गाज एक बार फिर से गिरी है, तो क्या फिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से अपनी पैरवी करके अपना पावर लगा के फिर से देश की जनता को और देश के प्रधानमंत्री को गरियाएंगे? चलिए ले चलते हैं पूरी खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को, यानी इलेक्शन कमीशन को, कांग्रेस के सांसद वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ 22 नवंबर को उनके भाषण पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। यह नोटिस भाजपा द्वारा चुनाव आयोग की शिकायत दर्ज कराने के एक दिन बाद आया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के 8 सप्ताह के भीतर के अनुसार कार्य करने को भी कहा था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने चुनाव आयोग को से राहुल गांधी को जारी नोटिस पर 8 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा था। इन सबके बीच में अब बड़ा निर्णय राहुल गांधी पर, लेकिन इससे पहले हम निर्णय की तरफ बढ़े, आपको लिए चलेंगे थोड़ा सा गुजरात हाईकोर्ट, क्योंकि राहुल गांधी की इतनी पावर है कि जो भी कोर्ट में जज फैसला सुनाते हैं उस जज को उठा करके कहां फिकवा देते हैं राहुल गांधी। ये आप सबको अगर नहीं मालूम हो तो साहब आज ढूंढिए, आज जाकर आप ढूंढिए कि गुजरात हाईकोर्ट में जिस जज ने राहुल गांधी के खिलाफ सारे मोदी चोर हैं पर फैसला सुनाया था, वो जज साहब कहां गए, उन जज साहब के साथ क्या हुआ, और पूरे के पूरे गुजरात हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से सवालों के घेरे में अभी तक खड़ा किया गया है। जैसे ही राहुल गांधी को उस समय फैसला आया था कि राहुल गांधी को 2 साल से अधिक की सजा होती, उनकी सदस्यता जाती है, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की कमेटी है, कलेजियम ने उन सबकी सिफारिश कर डाली जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया था उनको पटना ट्रांसफर करने का, उनके खिलाफ कैसे कैसे चीजें उनको झेलनी पड़ी है, ये सब चीज हुआ है।
और अब राहुल गांधी को एक बार फिर से सजा सुनाई गई है कहीं ना कहीं, तो क्या राहुल गांधी एक बार फिर से कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से निर्देशित करेंगे कि मैं इस देश का न्याय से, न्याय इस देश के संविधान से, न्याय इस देश के कानून से बड़ा हूं, और मुझे, मेरे ऊपर अगर कार्यवाही की गई है तो जिस तरह से गुजरात के उच्च न्यायालय पर, गुजरात के हाईकोर्ट पर जो कार्यवाही की गई थी उन जजों पर, क्या उसी तरह की कार्यवाही का फिर निर्देशित किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय एक बार जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी इस समय, जिसमें एक रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। चुनाव आयोग ने नोटिस, कारण बताओ नोटिस ऐसी बातों के रेगुलेट करने के लिए कड़े नियम बनाने का निर्देश देने के मुद्दे पर अदालत ने टिप्पणी की थी कि वह संसद को निर्देश नहीं दे सकती है। चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि 23 नवंबर को आयोग ने कारण बताओ नोटिस दे दिया था, उस समय आदर्श आचार संहिता भी लागू थी। चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया, हमने पहले ही कार्रवाई कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि नोटिस जारी करने का मतलब यह है चेतावनी जारी की गई है। इस पर जनहित याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कीर्ति उपल ने कहा, हम निर्देश, दिशा निर्देश तैयार करने की मांग कर रहे हैं ताकि लोग भविष्य में ऐसा ना करें। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा, ऐसे भाषणों को रोकने हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, लेकिन जब चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी है तो हमारे हस्तक्षेप की क्या जरूरत थी। हम सहमत हैं कि यह बयान खराब स्थिति में है। राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। इस्तेमाल याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के उन भाषणों के लिए केवल नोटिस जारी किया और आयोग के पास राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की शक्ति नहीं है। चुनाव आयोग ने उसके बाद कांग्रेस नेता 23 नवंबर को जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों पर नोटिस जारी किया। यह नोटिस भाजपा द्वारा वायनाड सांसद के खिलाफ चुनाव आयोग की शिकायत दर्ज कराने के एक दिन बाद आया था। नवंबर में राहुल गांधी के राजस्थान के जालौर में एक चुनाव रैली में आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी की टिप्पणी की, उन्होंने टिप्पणी की थी, भाजपा ने फिर बाद में उसकी तीखी आलोचना की थी, जिसमें टिप्पणियों को सर्वनाक और अपमानजनक बताया गया और माफी मांगने की मांग की गई थी। राहुल गांधी जब भी वो मंच पर होते हैं या कहीं पर भी होते हैं तो एक होता है ना, किसी की जबान फिसलती है और वो कुछ कह जाता है, लेकिन आप खुद बताइए कि एक लाइन में आपको बताता हूं, दो तीन चीजें बताता हूं जिसमें क्या आपको लगता है कि यहां किसी की जबान फिसल सकती है। पहली लाइन, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, जब उनसे पत्रकार सवाल पूछता है कि राहुल गांधी आपके छवि को लेकर के बीजेपी हमेशा सवाल खड़े करती है अप्पू को लेकर के इस तरह से, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे। तो राहुल गांधी की जबान, अगर किसी की जबान फिसलती तो जबान इतनी बड़ी फिसलेगी। राहुल गांधी कहते हैं कि आप जिस राहुल गांधी की बात कर रहे हो वो राहुल गांधी मर चुका है, वो राहुल गांधी को मरे बहुत दिन हो गया है, अब आपके सामने नया राहुल गांधी बैठा है, तो आप उस राहुल गांधी को भूल जाइए, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब इसे आप जुबान फिसलना कहेंगे, इसे जुबान फिसलना मुझे लगता नहीं कहेंगे। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि क्या पांडव जीएसटी लेकर आए थे, अब ये जबान फिसलना होता है कि पांडव जीएसटी लेकर आए थे, जबान फिसलने वाले शब्द है, इतना बड़ा लाइन। और सारे मोदी चोर हैं, क्या ये जबान फिसलने वाली है। अगर यहां पर कोई बयान दे दे, माफ कीजिएगा ये मैं कोट कर रहा हूं, इसको लेकर के आप सोशल मीडिया पर ना वायरल करें कि सारे गांधी चोर हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा था कि सारे मोदी चोर है का मतलब मेरा सारे मोदियों की बात नहीं कर रहे, वो नीरव मोदी और बाकी मोदी की बात कर रहे थे, केवल नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे और अडानी की बात कर रहे थे, इन लोगों के मोदी की बात कर रहे थे और किसी की बात नहीं कर रहे थे। तो क्या इस चीज को मान लिया जाएगा कि सारे मोदी चोर में सिर्फ दो ही लोग आते हैं। अब ऐसे में अगर कोई कहता है कि सारे गांधी चोर हैं
तो क्या गांधी जी की छवि हमारे पूज्य जिन्होंने आजादी दिलाई थी, जो बिना डांडे डंडा बिना लाठी के जिन्होंने आजादी दिला दी, जिन्होंने मुसलमान जब हिंदू को मार रहे थे पाकिस्तान में तो बिना डंडे और तलवार से उनके गले को काट दिया गया था, मुसलमानों ने वो नहीं उठाई थी, तो गांधी के ऊपर भी इस तरह के अगर कोई शब्द इस्तेमाल करता है तो गांधी जी के ऊपर ठेस नहीं पहुंचेगी? और सारे गांधी चोर कह दिए जाए तो इसमें तो गांधी जी फंस जाएंगे, क्योंकि वो भी शायद चोर थे। इसलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर राहुल गांधी कहीं भी करते हैं तो ये राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसको राहुल गांधी को 10 बार सोचना चाहिए। फिलहाल राहुल गांधी क्या फिर एक बार मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि 2-8 हफ्ते का समय का मतलब होता है कि लगभग ये फरवरी मिड तक फिर से एक बार अगर इन पर कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है, तो फिर से कहीं गाज गिर सकती है। और कहीं क्योंकि सेम मैटर है सारे, जिस तरह से राहुल गांधी इन्होंने कहा जेब कतरा और क्या कुछ कहा है, तो ऐसे में अगर राहुल गांधी को फिर से सजा हो गई तो राहुल गांधी 2024 का चुनाव भी नहीं लग पाएंगे। देखते आने वाला क्या होगा और क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता फिर जाएगी, बड़ा सवाल है। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।